आदिम जाति सेवा सहकारी संस्था मर्यादित शाखा में समर्थन मूल्य गेहूं तुलाई का हुआ श्री गणेश। कोरोना वायरस जैसी भयावह महामारी को देखते हुए सोशल डिस्टेंसिंग एवं अन्य आवश्यक चीजों का किया जा रहा है पूर्णता पालन। झाबुआ जिले की आदिम जाति सेवा सहकारी संस्था जगनाबदा केंद्र में शासन द्वारा चलाई जा रही समर्थन मूल्य गेहूँ खरीदी योजना का विधिवत रूप से हुआ श्री गणेश। इस अवसर पर आदिम जाति जिला सहकारी केंद्रीय बैंक शाखा प्रबंधक धर्मेंद्र सोलंकी, पर्यवेक्षक एवं प्रबंधक दिनेश खदेड़िया के नेतृत्व में गेहूं तुलाई के पहले पंडित द्वारा पूजन करवाया, तत्पश्चात विधिवत रूप से गेहूं तुलाई का कार्य शुरू किया। इस अवसर पर पूरा स्टाफ उपस्थित रहा। वहीं धर्मेंद्र सोलंकी ने बताया कि हमारे द्वारा कोरोना वायरस को देखते हुए शासन के दिए गए निर्देश अनुसार कोरोना के बचाव के लिए तमाम सुविधाएं उपलब्ध करवा रखी हैं, जिसमें स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारी एवं पुलिस प्रशासन टीम की ओर से झकनाबदा प्रधान आरक्षक लखन सिंह भाटी तैनात हैं। इसके साथ ही हमारे द्वारा सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा ध्यान रखते हुए निश्चित दूरी पर गोले बना रखे हैं। इसके साथ ही हमारे द्वारा हर कृषक के लिए स्वल्पाहार, पीने का पानी एवं सभी के हाथ धुलाई हेतु सैनिटाइजर की व्यवस्था रखी गई है। इसके साथ ही धर्मेंद्र सोलंकी ने बताया कि झाबुआ शाखा के द्वारा 6 कृषकों को गेहूं तुलाई के लिए मैसेज फॉरवर्ड किया गया है। प्रतिदिन कृषकों के लिए गेहूं तुलाई का कार्य किया जाएगा। इसके साथ ही गेहूं तुलाई संबंधित जानकारी हेतु संस्था द्वारा 2 नंबर जारी किए हैं, जिस पर आपको झकनाबदा गेहूं तुलाई हेतु जानकारी उपलब्ध हो सकेगी। लेकिन हमारे संवाददाता द्वारा हरिराम पड़ियार से चर्चा पर पड़ियार ने बताया कि हमारे द्वारा मैसेज किए गए व कृषकों से फोन पर संपर्क भी किया गया, लेकिन कृषक 15 अप्रैल दोपहर 3 बजे तक नहीं आए। गेहूं तुलाई के लिए कृषकों को भी बना हुआ है कोरोना महामारी का भय। आज हमारे साथ उपस्थित हैं जिला सहकारी केंद्रीय बैंक के ब्रांच मैनेजर सर, आपका शुभ नाम? करमेंद्र सिंह सोलंकी। सर, आज जो गेहूं उपार्जन की योजना अंतर्गत आपने श्री गणेश किया है, जी हाँ, उसको किस प्रकार देख रहे हैं? अभी गेहूं वगैरह कितने क्या आए हैं? शासन के जो निर्देश हैं उसके हिसाब से हर मतलब पर डे 6 लोगों को मतलब SMS दिया जा रहा है, और जो जिनको SMS पहुंचाए हैं वही लोग गेहूं लेके यहाँ पर आएंगे और उन्हीं का गेहूं तुलेगा यहाँ पर। एक तरफ देखा जाए तो वैश्विक महामारी का पूरे देश में प्रकोप बना हुआ है, जी हाँ, उसी को लेकर आप यहाँ जैसे गेहूं तुलाई करेंगे, जी, तो उसमें आपने यहाँ सुरक्षा के क्या पुख्ता इंतजाम किए? यहाँ पर पूरा मेडिकल स्टाफ रहेगा जो चेक करेगा लोगों को, सोशल डिस्टेंस का पालन होगा, और 6 लोगों को ही यहाँ पर बुलाया है इसलिए, और थोड़ा डिस्टेंसिंग में उनको रखा जाएगा, और जो निर्देश है कोरोना के लिए वो उनका पालन किया जाएगा। पीने के पानी की व्यवस्था है, स्वल्पाहार की व्यवस्था है, सैनिटाइजर की व्यवस्था है, और हर 2 घंटे में हाथ धोने के लिए निर्देशित किया गया है, स्टाफ को भी बोला है, और पुलिस बल भी यहाँ पर तैनात है जो नियमों का पालन कर।